नमस्कार, मैं एक बार फिर सैनी टेक्नोलॉजीज की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आर्टरॉन के अंदर अगर प्रोग्रामर या जूनियर प्रोग्रामर का आपका ऑनलाइन टेस्ट है तो उस टेस्ट में टैरिफ प्लान असाइनमेंट के लिए फर्स्ट पार्ट में मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इस पार्ट के अंदर हमने किस तरह से हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, मास्टर टेबल टैरिफ का, मास्टर टेबल कस्टमर का, मास्टर टेबल बिल डिटेल्स के लिए, ये मैं ऑलरेडी इसका इंटरफेस जीयूआई कैसे क्रिएट करना है वो जीयूआई क्रिएट करने का भी स्टेप्स मैं ऑलरेडी आपको, ये तीन एंट्री और जीयूआई क्रिएट करने का स्टेप्स भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। कस्टमर नेम, टैरिफ नेम कैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आपको जीयूआई के अंदर लेके आना है, इसका कोड भी मैं आपको बता चुका हूँ। डुप्लीकेट एंट्री आपके डेटाबेस में ना हो एक पर्टिकुलर मंथ के लिए, इसका कोड भी हम लिख चुके हैं। 20% डिस्काउंट अगर वो स्टूडेंट है तो कैसे दिया जाना है, इसका कोड भी मैं लास्ट वीडियो के अंदर आपको सारा बता चुका हूँ। इसके बाद जो उस वीडियो में जो बचा था पार्ट, वो पार्ट बचा हुआ था ये दो रिपोर्ट्स क्रिएट करना। तो इन दो रिपोर्ट्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम इसका एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे, और इंटरफेस को क्रिएट करने के जो स्टेप्स होंगे मैं आपको वो बताता हूँ। जो हमने विजुअल स्टूडियो के अंदर एक डिफॉल्ट डॉट ASP.NET पेज लिया था, उस पेज के ऊपर सबसे पहले मैंने ये बटन लिया है आपका, इस बटन को यहाँ से टूल बॉक्स से ड्रैग एंड इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये यहाँ पे आ जाता है। इसके प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने लिखा यहाँ पर व्यू रिपोर्ट, और एक मैंने यहाँ पर लिया है ग्रिड व्यू। ये ग्रिड व्यू आपका विजुअल स्टूडियो के डेटा सेक्शन के अंदर, ग्रिड व्यू का जो डेटा सेक्शन है उस डेटा, ये डेटा सेक्शन है, इसके अंदर ये ग्रिड व्यू होगा। इसको ड्रैग करके ड्रॉप आप यहाँ करेंगे। उसके बाद इसका जो स्मार्ट टैग है, इस स्मार्ट टैग पे क्लिक करके आप एडिट कॉलम करेंगे। एडिट कॉलम करके यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है टेम्पलेटेड फील्ड। ये टेम्पलेटेड फील्ड ऐड करोगे आप इस ऐड पे क्लिक करके, तो मैंने ये सारे टेम्पलेटेड फील्ड ऐड किए यहाँ पर। ऐड करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर इसका हेडर नाम दिया है सीरियल नंबर, सेकंड का नाम दिया मैंने कस्टमर नेम, थर्ड का नाम दिया मैंने टैरिफ प्लान, फोर्थ का नाम लिया अमाउंट, डिस्काउंट और बिल। इस तरह से मैंने ये टेम्पलेटेड फील्ड यहाँ पर ऐड कर ली, इसको ओके किया। इसके बाद एक इसकी सिलेक्ट करके ही एक प्रॉपर्टी होती है कि ऑटो जनरेट कॉलम, ये मैंने इसको फॉल्स करना। ये फॉल्स करोगे तो ऑटोमेटिकली इसमें अब कॉलम जनरेट नहीं होंगे, जितने कॉलम आपने बनाए हैं सिर्फ उतने ही कॉलम इसके अंदर बनेंगे। ये सेट किया। इसके बाद क्या करना आपको, इसी को सिलेक्ट करना है और इसके सोर्स कोड पे आना है। यहाँ सोर्स कोड, सोर्स कोड पे आने के बाद आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये टेम्पलेटेड कॉलम के अंदर टेम्पलेट फील्ड मिलेंगे सिर्फ। इस टेम्पलेट फील्ड के अंदर आपको ये आइटम टेम्पलेट ऐड करना है, और इसके अंदर एक ये बाइंड वेरिएबल आपको ऐड कर देना है। ये सीरियल नंबर के अंदर मैंने कंटेनर डॉट डाटा आइटम इंडेक्स प्लस वन, मतलब जो जिसके साथ हम कंटेनर है उसका डाटा आइटम इंडेक्स जो होगा उसमें मैंने प्लस वन करके दिया, तो यहाँ पर 1 2 3 का सीरियल नंबर आएगा। ऐसे दूसरा टेम्पलेटेड फील्ड जो था हमारा कस्टमर नेम, उसका आइटम टेम्पलेट लिया, उसके अंदर एक ऐड किया, और उसके अंदर एक लेवल फील्ड मैंने ऐड कर लिया। इस लेवल फील्ड की प्रॉपर्टी होगी आईडी। टेक्स्ट के अंदर हमें बाइंड ये कोड आपको लिखना होगा अपने आप से। इसके अंदर सिंगल कोट है, ब्रेसिस है, फिर परसेंटाइल है, सिंबल बाइंड। इसके अंदर आपको जिस कॉलम से आपको इसको बाउंड करना है उस कॉलम का नाम आपको यहाँ देना होगा। ये कॉलम का नेम आएगा आपका कोड से ऑटोमेटिकली यहाँ उठाएगा। ऐसे ही टैरिफ प्लान का ये तो हमने वहाँ से ऐड किया था, ये मैनुअली यहाँ पर लिखा है आइटम टेम्पलेट, लेवल, लेवल के अंदर बाइंड फील्ड और टैरिफ प्लान। ऐसे ही अमाउंट के लिए बाइंड अमाउंट, डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट अमाउंट और बिल के लिए बिल अमाउंट। ये आपको कोड इसका ग्रिड व्यू का आपको यहाँ लिखना होगा। इस कोड के लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, कोड लिखना है बटन के ऊपर जिससे आपकी रिपोर्ट भी होगी। आप डबल क्लिक करेंगे बटन के ऊपर, तो बटन पे डबल क्लिक करके आपको क्या करना है, सबसे पहले एक कनेक्शन बनाना है SQL कनेक्शन। उस कनेक्शन के अंदर आपको एक ज्वेन क्वेरी पास करनी है। अब ज्वेन क्वेरी कैसे लिखते हैं, सिलेक्ट, हमें सिलेक्ट उठाना है एस कस्टमर का नाम, टैरिफ प्लान अमाउंट, बिल अमाउंट, डिस्काउंट और बिल अमाउंट फ्रॉम टेबल बिल डिटेल्स। अब टेबल बिल डिटेल्स के अंदर आपके दो फील्ड नहीं है, कस्टमर नेम और टैरिफ प्लान।
ये दोनों फील्ड हमारी दूसरी टेबल हैं जो उनसे हैं, एक तो कस्टमर टेबल से है और एक टैरिफ टेबल से है। तो टेबल डिटेल्स जो बिल है वो डिटेल्स है, उस टेबल के अंदर हमारा ना ही तो कस्टमर नेम है ना ही टैरिफ प्लान है। इस टेबल के अंदर हमारे पास में क्या है, एक तो टैरिफ आईडी है और एक कस्टमर आईडी है। तो इस कस्टमर आईडी से कस्टमर का नेम उठाना है और टैरिफ आईडी से टैरिफ प्लान उठाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन करने के लिए मैंने एक कोड लिखा है यहाँ पर कि टेबल डिटेल में इनर ज्वाइन करे किस टेबल को, मास्टर टैरिफ प्लान को ऑन किसके कोरस्पॉन्डिंग, बिल डिटेल टैरिफ आईडी के कोरस्पॉन्डिंग, मास्टर जो टैरिफ प्लान हमारी टेबल है उसके अंदर जो टैरिफ आईडी है वो डाटा उठाएगा। ऐसे दूसरी टेबल हमने इनर ज्वाइन की, मास्टर कस्टमर ऑन कस्टमर आईडी इक्वल टू टेबल बिल डिटेल इज डॉट कस्टमर आईडी, मतलब कस्टमर आईडी से कस्टमर नेम उठा ले और टैरिफ आईडी से टैरिफ प्लान उठा ले। तो इससे आपका डाटा आपका किस में आ जाएगा, एसक्यूएल डाटा अडेप्टर में। एसक्यूएल डाटा अडेप्टर से हमने डाटा टेबल में डाटा डाल लिया और ग्रिड व्यू हमारी जो वन है उसका डाटा सोर्स हमने डाटा सेट सेट कर डाटा टेबल सेट कर दिया। इससे क्या होगा कि जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो एग्जीक्यूट करने में ये क्या करेगा, आपका उस पर्टिकुलर व्यू रिपोर्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो उस पर्टिकुलर ज्वाइन क्वेरी के कोरस्पॉन्डिंग आपको ये डाटा यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह से हम यह रिपोर्ट बनाते हैं। ये तो हमारी बनी फर्स्ट रिपोर्ट। सेकंड रिपोर्ट क्या बनी थी, टोटल अमाउंट कलेक्टेड इन ए मंथ, एक पर्टिकुलर मंथ में कितना अमाउंट टोटल हमने कलेक्ट किया। तो इसके लिए भी हम क्या करना है, एक मंथ ले लेना, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ले ली मैंने। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट की एडिट आइटम्स के अंदर मैंने यहाँ पर मंथ इसके अंदर ऐड कर दिए 1 से 12 तक, और एक ग्रिड व्यू लिया। इस ग्रिड व्यू के अंदर सेम वही प्रोसेस की है, एडिट कॉलम करके यहाँ पर 3 कॉलम्स मैंने ऐड कर दिए, मंथ्स टोटल अमाउंट और सीरियल नंबर। ये ऐड करने के बाद इसके सोर्स में जाएंगे तो सोर्स में इनका टेम्पलेटेड फील्ड के अंदर आइटम टेम्पलेट लिया जिसमें सीरियल नंबर आ जाए, इसके लिए कोड लिख दिया। ऐसे आइटम टेम्पलेट लेकर के एक लेबल डिस्काउंट लिया, लेबल डिस्काउंट के अंदर बिल मंथ्स ले लिया और टोटल अमाउंट ले लिया, दो फील्ड ले लिए। इसके अंदर भी हम जो इंक्वायरी का यूज़ करेंगे और फिर इसके बटन के ऊपर डबल क्लिक किया मैंने, इसके ऊपर कोड लिखा। पहले तो मैंने मंथ ले लिया आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट से, फिर एसक्यूएल कनेक्शन बनाया, कनेक्शन सिंक पास की, एडेप्टर के अंदर क्वेरी लिखी, सिलेक्ट मंथ्स, मंथ सिलेक्ट कर ले, सम टोटल अमाउंट का अमाउंट करना, सम वो कर लिया एज टोटल अमाउंट फ्रॉम टेबल हमारी है टेबल बिल डिटेल्स। अब ग्रुप बाय कॉलम मैंने यूज़ किया यहाँ पर, ग्रुप बाय मंथ्स, मंथ के अकॉर्डिंग उसकी ग्रुपिंग करनी है, और हैविंग जिसका मंथ जो हमने वहाँ से मंथ सेलेक्ट किया, ये हमारी हो गई ग्रुप बाय क्लोज, इसके अंदर यूज़ किया। और तो डाटा को हमने ग्रिड व्यू टूल से साथ में बाउंड कर दिया। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो इससे इसमें जो भी हम मंथ सेलेक्ट करते हैं, मालूम मंथ मैंने सेलेक्ट किया सेकेंड, तो व्यू रिपोर्ट पे क्लिक किया तो सेकेंड मंथ की जो रिपोर्ट है आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी नीचे कि सेकेंड मंथ में हमने 2 मंथ्स में आपका 1200 रुपये का टोटल अमाउंट हुआ। ऐसे अगर मंथ सिलेक्ट करता हूँ मैं 3, तो 3 मंथ सिलेक्ट करूँगा तो तीसरे महीने के अंदर जो टोटल आएगा वो मंथ वो डिटेल आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह से हमने इसके अंदर रिपोर्टिंग वाला सेक्शन इसमें कंप्लीट किया। तो अगर आपको इसका कंप्लीट सोर्स कोड चाहिए तो उसके लिए आपको विजिट करना होगा sanitechnologies.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। साथ में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन पे क्लिक कर दें ताकि आपको लिंक बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको और जो वीडियो हैं जूनियर प्रोग्रामर या प्रोग्रामर से रिलेटेड वो आपको मिलती रहे, उनका नोटिफिकेशन आपके साथ में मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।